लगभग 2 घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे कि उस दिन चंद्र पे उत्तरायण करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर मेरे ख्याल से कोई और मुश्किल तो आने वाली है नहीं, और हम पूर्णतया 30 अगस्त को ही चंद्र पे उतरने का प्रयास करेंगे। बट अगर कोई हमको ऐसा कुछ ऐसा आपत्तिजनक लगता है तो हम से पूरा इसरो इसमें कार्यरत है, और लगभग कोई पिछले 4 सालों की मेहनत के बाद हमने ये चंद्रयान-3 यान तैयार किया है, चंद्रयान-3, और उसमें एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है और एक लैंडर मॉड्यूल है। तो पहले जो ऑर्बिटर था उसकी जगह पे अभी प्रोपल्शन मॉड्यूल है। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर को चंद्र की ऑर्बिट में ले जाएगा और ले गया है, और उसका कार्य पूरी तरह से अभी समाप्त हो चुका है। लेकिन फिर भी उसमें जो प्रोपल्शन मॉड्यूल में काफी फ्यूल बचा है, तो उसके कारण वो लगभग 6 महीने तक तो मिनिमम कार्य करता रहेगा। चंद्र की 100 बाय 100 किलोमीटर ऑर्बिट में घूमेगा। जैसा कि आपको पता है कि 17 अगस्त को हमने ये प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को अलग कर दिया है, और प्रोपल्शन मॉड्यूल अभी 100 बाय 100 किलोमीटर की कक्षा में घूमेगा, और वहां से उसमें एक पेलोड है वो पृथ्वी की ओर देखेगा, और उसके जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, पोलारोमेट्रिक स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करके जो लिविंग प्लेनेट कैसा होता है उसकी जानकारी हमको चंद्र के ऊपर से देता रहेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल तो चंद्र की कक्षा में घूमता रहेगा, और साथ में उसके साथ जो लैंडर मॉड्यूल है जिसको कि हम सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह 17 अगस्त को लगभग 157 बाय 167 किलोमीटर की कक्षा में था। वो अभी 113 बाय 113 की ऑर्बिट में घूम रहा है, और उसको 100 बाय 30 किलोमीटर की ऑर्बिट में जाने के बाद 23 अगस्त को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से वह नीचे की ओर प्रयाण करेगा। तो 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड या हाइट से लैंडर नीचे की ओर चंद्र की सतह पर जाने का प्रयास करेगा 23 अगस्त को, और उसके 2 घंटे पहले हम पूरे जो कमांड है वो यहाँ से जो हमारा बाइलालू अर्थ स्टेशन है वहां से अपलोड कर देंगे लैंडर मॉड्यूल के अंदर। और उसके बाद जो लैंडर मॉड्यूल की हेल्थ चेकिंग, टेलीमेट्री और चंद्र में जो स्थिति है उसको सबको ध्यान में रखते हुए लगभग 2 घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे कि उस दिन चंद्र पे उतरण करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर मेरे ख्याल से कोई और मुश्किल तो आने वाली है नहीं, और हम पूर्णतया 23 अगस्त को ही चंद्र पे उतरने का प्रयास करेंगे। बट अगर कोई हमको ऐसा कुछ ऐसा आपत्तिजनक लगता है तो हम लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को करेंगे। तो उसके लिए भी हमने पूरा सावधानी बरती है, और उसके लिए जो भी कार्य करना है वो जो सब प्रणाली है वो सब भी तैयार रखी है। तो हम जो मोस्ट प्रोबेबली हम 23 अगस्त को ही उत्तरण करेंगे, अन्यथा 27 अगस्त को।